हयात स्कूल से आ गई हैं, तो चलिए बच्चों को भी आपसे मिलवाते हैं। और हयात का आज लास्ट एग्ज़ाम था, तो आज हयात हैप्पी भी बहुत हैं, तो चलिए हयात के पास। हयात, ऐसा गया एग्ज़ाम? इतनी शर्मा रही हो हयात? नाउ यू आर फ्री, योर एग्ज़ाम्स आर ओवर। धूप लग रही है, स्टडी ठीक है। आप डिक्टेशन लिखना, टेबल्स लर्न करना, ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम। शो मी योर फेस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा मैंने आपको बताया है कि मेरे इस मंथ में काफ़ी शादियाँ हैं, तो मैं अभी से ही बाल की, स्किन की थोड़ी बहुत रूटीन स्टार्ट कर दिया है मैं। और माहीन के बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो मैं इनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करती रहती हूँ। तो उसी में से आज एक पैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैं माहीन के रेगुलर लगाती हूँ। और माहीन के बाल बहुत अच्छे हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि माहीन के बालों की लेंथ क्या है और माशाल्लाह वो कितने हेल्दी है, और उसके लिए मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए बगैर देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं। अब देख सकते हैं माहीन के बाल, अभी ये थोड़े फ्रिजी हैं क्योंकि मैंने अभी दो दिन पहले ही माहीन के हेयर वॉश किए थे, तो माहीन के बाल थोड़े मोटे हैं, तो ये थोड़े बहुत कर्ली हो जाते हैं चोटी बनाने के बाद। लेकिन अभी मैं ये पैक लगाऊंगी और उसके बाद के रिजल्ट्स जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप ख़ुद कहेंगे कि ये पैक लगाने के बाद बाल सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। और माशाल्लाह माहीन के बाल बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये पैक माहीन के बालों में रेगुलर लगाती रहती हूँ। आप माहीन के वॉल्यूम देख सकते हैं कि माशाल्लाह उसके बाल कितने अच्छे हैं। मैं भी अपने बालों में यही पैक रेगुलर लगाती रहती हूँ। और माहीन और हयात दोनों के बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। माहीन दिखाना ज़रा अपना फेस, आगे कर लो ज़रा से हेयर्स अपने। यूज़ आप देख सकते हैं कि माहीन के बाल अभी कर्ल की वजह से थोड़े ऊपर हो गए हैं, लेकिन जब मैं इसे वॉश करूँगी पैक के बाद तो माहीन के बाल फिर से स्ट्रेट हो जाएंगे। और उसके बाद के रिजल्ट्स, पैक के बाद के रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए माहीन के पैक लगाते हैं और आपको बताते हैं कि ये पैक मैं कैसे अप्लाई करूँगी माहीन के सिर पर। मैंने 2 टेबल स्पून मेथी दाना रात को भिगो दिया था और उसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया। इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून आंवला पाउडर ले लिया है, एक अंडा ले लिया है और आधा नींबू ले लिया है। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और आपको बताती हूँ कि मैं कैसे क्या क्या डाल रही हूँ। अब मैं आपको पैक प्रिपेयर करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें एक अंडा फोड़ देती हूँ। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून आंवला पाउडर डाल देती हूँ। देखते हैं कि आंवला हमारे बालों के लिए कितना हेल्दी रहता है, इससे बाल हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। आंवले के गुड़ तो आप सभी जानते हैं। और ये मैंने आधा नींबू इसमें डाल दिया। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसका आपको पैक बनाकर दिखाती हूँ मैं। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और आप देख सकते हैं कि मेरा पैक कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसको अपने बालों के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप उसके हिसाब से पूरी क्वांटिटी ले लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बालों में कैसे अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने मांग करके जड़ों के अंदर लगा दिया था, तो हमें सबसे पहले जड़ से स्टार्ट करना है और एंड्स तक लगाना है। तो ये पूरा पैक मैं ऐसे ही लगाती जाऊँगी और साथ ही साथ आपको दिखाती भी जाऊँगी कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। व्यूज़ आप अच्छी तरीके से देख लीजिए कि मैं पैक किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। और इसमें सारी चीज़ें बालों के लिए बहुत हेल्दी हैं, हमारे हेयर फॉल से बचाती हैं और हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। लेकिन हमें इसे रेगुलर यूज़ करने से ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि एक दो बार के एप्लीकेशन से कोई रिज़ल्ट दिखाई नहीं देंगे जब तक हम इसे रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे। माही होती है जो बच्चों की सारी चीज़ों का ख्याल रखती है, तो आप देख सकते हैं कि माहीन के मैं रेगुलर लगाती हूँ और माहीन के बाल माशाल्लाह कितने अच्छे हैं। मेरी अम्मी भी बचपन में मेरे बालों को
ऐसे ही ख्याल रखती थी तो मेरे बाल भी बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी पूरे बालों में हेयर पैक लगा के आपको दिखाती हूँ, फिर इसका जूड़ा मैं कैसे बनाऊँगी साथ ही साथ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसी के साथ मैं नीचे लटों में भी लगा रही हूँ क्योंकि माहिन के बाल लंबे हैं तो मैंने ज़्यादा पैक बनाया था, इससे बाल और शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे। व्यूज़ आप देख सकते हैं कि मैंने माहिन के सिर में ये पूरा पैक अप्लाई कर दिया है और मैं इसे 45 मिनट्स के लिए लगा रहने दूंगी, उसके बाद मैं इसे वॉश कर दूंगी। तो मैं आपको इसके बाद के रिजल्ट्स भी दिखाती हूँ। इसी के साथ साथ मैं माहिन के सिर पर ये शावर कैप भी लगा दूंगी जिससे ये ड्राई ना हो। व्यूज़ देख सकते हैं आप, मैंने माहिन के सिर पर ये शावर कैप लगा दिए और अब मैं इसे वॉश करने के बाद के रिजल्ट्स आपको दिखाती हूँ। माहिन अपने बाल दिखाओ आफ्टर वॉश कैसे लग रहे हैं। व्यूज़ आप देख सकते हैं कि माहिन के बाल आफ्टर वॉश कितने सिल्की और शाइनी लग रहे हैं। तो माशाल्लाह इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि माहिन के बालों की लेंथ कितनी अच्छी है। जैसे कि आपने देखा पैक लगाने के बाद माहिन के बाल कितने सिल्की स्मूथ और शाइनी हो गए थे। तो मैं एक्सटर्नल का भी ध्यान देती हूँ और इंटरनल का भी। एक्सटर्नल पे तो मैं ये पैक और ऑयल लगाती हूँ, इंटरनल में मैं बच्चों की डाइट पे खास ध्यान देती हूँ क्योंकि अगर हम अच्छा खाएंगे तभी हमारे स्किन और हेयर्स अच्छे होंगे। तो हमें इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पैक पसंद आया हो तो आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे बाल स्ट्रांग होंगे, हेल्दी होंगे और हमें हेयरफॉल से भी बचाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।